प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 अप्रैल 2022 और 23 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 अप्रैल 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। वीडियो पर आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में किसने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अभी आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया गया है। ये देखो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी इसमें क्या है, समिट 2022 का उद्घाटन किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर करेंगे, गुजरात के गांधीनगर शहर में। 20 से 22 अप्रैल 2022 तक कई चरणों में होने वाला यह कार्यक्रम सभी आयुष प्रणालियों में आयुष शिक्षा अनुसंधान नवाचार उद्यमिता और दीर्घकालीन स्वास्थ्य के बारे में वैश्विकता जागरूकता को ये बढ़ावा देगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये तो आयुष शिक्षा अनुसंधान और नवाचार उद्यमिता के लिए क्या है, वैश्विक जागरूकता भी बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर फैक्ट्री लगेगी? हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3-व्हीलर फैक्ट्री लगेगी? ये लगेगी तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में लगेगी, तेलंगाना राज्य में। यह देखो ये है तस्वीर, यहाँ पे देख सकते हो 3-व्हीकल फैक्ट्री इनकी लगेगी। कहाँ पर है, तेलंगाना में राज्य में। देखो मुख्य तथ्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3-व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। किसने, अभी दुनिया की सबसे बड़ी तेलंगाना राज्य में ये लगेगी घोषणा। अब तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। कब मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस है मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, विश्व पृथ्वी दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखो अब इसकी थीम क्या है, वर्ष 1970 में शुरू होने से विश्व पृथ्वी दिवस 2022 इस दिन की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अब की बार इसकी थीम क्या है, हमारे ग्रह में निवेश। तो ये थीम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, हमारे ग्रह में निवेश। और अब की बार 52वीं वर्षगांठ है मनाई गई है। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, नरेश कुमार को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया, नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव है नियुक्त किया गया। ये देखो ये है तस्वीर, ये है नरेश कुमार। अभी इनको पहले ये अरुणाचल प्रदेश में थे मुख्य सचिव, लेकिन इनको वहाँ पर स्थानांतरित करके अब दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। स्थानांतरित होने पहले ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। तो कहाँ के थे, अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, लेकिन अभी इनको दिल्ली का नया मुख्य सचिव है नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा मुंबई शहर। कौन करेगा, मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, केंद्रीय बंदरगाह नौवैन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो कौन है,
केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री कौन है सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने घोषणा की है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया अजय कुमार सूद को। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर दिया, किसको? अजय कुमार है सूद को नियुक्त किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य अजय कुमार सूद को प्रसिद्ध जीव विज्ञान के विजया राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है विजय राघवन की जगह लेंगे। किसको नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को, वैज्ञानिक यानी कि प्रौद्योगिकी सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में कौन से शहर ने स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है, ये की है सूरत गुजरात में है और अभी इसने क्या है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है। देखो मुख्य तथ्य, 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आज सूरत में शुरू हुआ है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्पष्ट आह्वान के तहत यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूरत में क्या है स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो अभी कौन इसका सम्मेलन शुरू हुआ है, सूरत है गुजरात में। अगला देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह किस शहर में आयोजन होगा इसका। अभी क्या है भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसका आयोजन किस शहर में होगा। तो ध्यान रखना किस शहर में होगा, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। देखो, अपनी तरह की पहली पहल में तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का मोबाइल एप्लीकेशन होगा। तो ध्यान रखना बेंगलुरु में और दूसरे संस्करण का अपना क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 मोबाइल ऐप पर 24 अप्रैल से शुरू हो रही है और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से जुड़ी सारी सूचनाएं एक ही होगी। तो ध्यान रखना 24 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पर, बेंगलुरु में, और इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन होगा। अगला देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का विकास परियोजना का उद्घाटन किया है, ये किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है, गुजरात राज्य के है दाहोद। कहाँ पर किया है, गुजरात के दाहोद में क्या है 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित एक समारोह में 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और अभी इससे 22,000 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। अगला देखो, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ऑलराउंडर किरेन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी है ऑलराउंडर किरेन पोलार्ड, इन्होंने क्या है संन्यास लेने की घोषणा की है, ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है किरेन पोलार्ड और इन्होंने ऑलराउंडर है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। देखो मुख्य तथ्य, वेस्ट इंडीज के हरफनोला खिलाड़ी किरेन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान भी थे। तो ध्यान रखना पोलार्ड क्या थे, इंडीज की सीमित ओवरों की टीमों के भी कप्तान थे और अभी उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। आप पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रांड हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया कर्नाटक की राज्य सरकार ने रॉबिन उथप्पा को। ये भारतीय खिलाड़ी हैं क्रिकेटर और अभी इनको क्या है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रोलर सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया जाएगा, मुंबई, गांधीनगर, चेन्नई या जयपुर में, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी नेक्स्ट डोज क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली बीटियों को कितने भागों में बांटा है, तो ध्यान रखना 8 भागों में, कितने भागों में बांटा है। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है, ध्यान रखना महाराष्ट्र में। कौन सा है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़। भारत भूमि पर सबसे व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है, ध्यान रखना कछारी या जलोढ़ मिट्टी। तो दोनों एक ही बात है, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है भारत में व्यापक रूप से फैली हुई है। और ध्यान रखना पीट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो ध्यान रखना केरल में।
कहाँ पर पाई जाती है? पीठ मिट्टी, केरल में पाई जाती है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो नेक्स्ट डोज हमारी क्या है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये बताना है आपको। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? और गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से पुकारा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम क्या कहलाता है? और तिब्बत में मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये पांचों ही पांचों क्वेश्चन आई हुई एग्जाम में क्वेश्चन है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक मार्च महीने की पीडीएफ नहीं खरीदी है तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। जिस विद्यार्थी को मार्च महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 से इंडिया चाहे राजस्थान कोई भी करंट चाहिए तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप के माध्यम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और कल शाम मैंने राजस्थान पुलिस के लिए भाग बै 35 क्वेश्चनों का उपलब्ध करवा दिया। और हमारी लगातार आपको डेली क्लासेज आपको उपलब्ध हो रही है महिला बाल अपराध से संबंधित राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम 20-22 दिन लगभग मान के चलो बचे हैं, इसलिए आपको लगातार अब क्लासें मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।